राम राम जी सारे ने। आज हमें जान लग रहे हैं मुंबई लखनऊ तक। इससे पहला ब्लॉग आपने देखा होगा, मैं लखनऊ पहुंच चुका था डबल डेकर ट्रेन तक। तो आज हमें जावांगे मुंबई बाय रोड। गाड़ी देखो हमारी ब्रीजा गाड़ी है, चाची पछे बैठी है, चाचा अपना चलान लग रहा है, मैं उ कंडक्टर सीट पर बताने खातर आगे का रोड राड मतलब कौन सा रोड पर चलना है फिर आप चलान लग रहे हैं। कानपुर होकर जावांगे, 1400 किलोमीटर है, देखा है तड़का पहुँचने की कोशिश करांगे। पहुँचा गया तो ठीक, नहीं तो परसों अगला दिन लग जाएगा, लेकिन तड़का पहुँचे जावाएँ मतलब लोहा दौर लग जाए मुंबई के। तो आगे की जर्नी चाचा बताओ। हेलो, कानपुर, कानपुर से झांसी, इंदौर, धुले, नासिक एंड मुंबई। मुंबई वी आर कमिंग। हेलो गाइस, आई होप आप लोग भी अगली बार लखनऊ टू मुंबई या मुंबई टू लखनऊ का ट्रिप बनाएं बाय रोड और हमारे ब्लॉग के डायरेक्शंस को फॉलो करें कि कैसे हम गए थे, और जो भी तकलीफें आएंगी या क्या क्या करना चाहिए वो हम आपको सब कुछ ब्लॉग में बताते रहेंगे। हम लोग अभी कम से कम 10 लीटर पानी लेके चले हैं, बहुत सारा खाना पीना अपने साथ लेकर चले हैं, एसी जो है कम पे है और फ्यूल एकदम फुल है, और बाकी कुछ भी होगा तो हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। रोड अभी अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रोड पे, बाकी अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे से आगे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज थोड़ी आंधी चला है तो मतलब धूड़धाड़ अच्छी उड़ रही है, गणियाँ उड़ रही है, मतलब गाड़ी में बेरा तो कौन लगता लेकिन दिखा है न्यू आगे। गाइस हमने कानपुर क्रॉस कर चुके बाईपास से, और अभी हम झांसी की तरफ जा रहे हैं यहाँ से होते हुए। ये है NH9, देखो NH9 रोड है, यहाँ से होते हुए अभी हम जा रहे हैं झांसी की ओर। ये देखो क्यूटू जी उठ चुके हैं और खाना खा रहे हैं। हमारे साथ 1 साल का बच्चा ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए हमने ठंडा दूध, इसने पराठे रखे हैं, मखाने रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, लड्डू रखा है, बहुत कुछ आइटम रखा है बच्चे। 1 साल में इसने बहुत सारी यात्रा कर चुका, ये फ्लाइट भी ले चुका, रोड से भी जा रहा है सारे ट्रांसपोर्ट ले लिए इसने, ट्रेन भी, बस इसका पानी वाला रहता है शायद, है ना, मुंबई में पानी पानी का जहाज रहता है, बाकी सब ट्रेवल कर चुका है। और इतने सारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, क्या पता कितने, तो इसने राज्य कंप्लीट कर लिए राजस्थान हैदराबाद भी गया है, बेंगलोर भी गया है, बेंगलोर नहीं गया, बताओ कितने सारे, तो इसने 1 साल की उम्र में इतने सारे राज्य कंप्लीट कर चुका है इंडिया के। दूसरा टोल हमने क्रॉस कर लिया है, पहला कानपुर वाला था, ये कानपुर के बाद आया है। ये देखो पूरी लाइन लगी पड़ी है ट्रकों की, ये टिको है, यहाँ भी चल पड़ी गलत गलत ट्रक कटवाओ है, ट्रक आला ना, ये रेडिएटर वाली दी रेडिएटर वाला है, ये देखो ऊपर को ट्रेन जा रही है और नीचे को हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। वाओ, व्हाट अ व्यू, गई कौन सी है, ले भाई साफ सुथरे बनाए रखे हैं रोड तो जी। अभी हमने चाय पी, उन्होंने दी हमको मिर्च अचार और हम पूरी लेके आए थे। कैसी थी चाय, चाय कैसी थी? चाय शानदार है, मजा आ गया, चाय बिल्कुल प्योर दूध की चाय,
किटली इधर वाली, किटली इधर वाली, अनलिमिटेड चार पांच कप तो थे। ये देख छोटी सी टपरी है, वो देख चाची क्या करे, हाथ दो गाई है चाची। चला चला चला, थोड़ा जोर लगा, जिससे हल्का पॉइंट मिलेगा नहीं, जिससे हल्का पॉइंट मिलेगा नहीं, हल्का है बिल्कुल ही, जब ही निकल जाता पानी ना। चलो भाई समेटो अपना सामान और चलते हैं। चाय कैसी थी? ठीक थी। वाओ व्हाट ए व्यू ब्रो, कितना साफ पानी है, और दो नदी आली इसी इसी, ये देख इस साइड में भी एक तो गंगा नदी भी आली, ये देख कितना एंडी है, कितना साफ है नहीं। तो बात ऐसी है कि हम चाय पानी पी के झांसी की ओर चल पड़े, झांसी की रानी, उनके प्लेस स्थान जगह, उस जगह जा रहे हैं। देखो झांसी की रानी का चौक आ गया, झांसी की रानी का नाम लिया और उनका चौक भी आ गया। ये देखो ले भाई तीसरा टोल आ गया है, कौन सा टोल है, वो नाम है इसका क्या हो रहा, कर नाम में कौन लिख रहा, तीसरा टोल है वो झांसी जाने खातर। शर्माया गया वीडियो करी उन्होंने, अच्छा वीडियो करे थे और वही सोचे थे मैं वहां आसने से क्यों लग ये देखो झांसी की रानी ट्रक के पीछे। ए भाई पांचवा टोल आ गया, पांचवा टोल। पूरी आप लोग ने खा ली थी, चाय पी ली थी, और ये कितने टोल आओगे, थोड़ी सी बची। ओके इधर से चलो ग्रीन हो गया, तो मखाना देख लिए तो पागल हो गए, चलो चलो मतलब मखाना ही मखाने खाते हैं। भाई साहब कौन आया रहा वीआईपी, आधी पूरी खाए जब पेन रटा है दिए, नहीं कौन थी, अच्छा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए फ्री है, ले भाई पांचवा टोल क्रॉस कर लिया झांसी जाते जाते। फाइनली वी रीच झांसी, ले भाई झांसी पहुंच गए, मटके लग रहे हैं, ये ना मटके लेने हो तो ये देखो इस साइड में पहले से बनाए रखे लावर। ले भाई झांसी के अंदर ग्वालियर शिवपुरी झांसी, अभी हम जा रहे हैं झांसी के अंदर, ये झांसी की रानी, क्या बात है, रीसेंटर करो। ये देखो झांसी की रानी बाहर की तरफ नहीं था कोई, थोड़ा सा तो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मसाला मिल जाएगा लोगों को। देखो वीर भूमि झांसी में आपका स्वागत है, देखो वीरों की भूमि झांसी जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं।
क्या कुछ खास है यहाँ का, जाके पता चलेगा। किलकारी क्या नाम है, अलग सा नाम है। मर मरण वाले भी नहीं है ही, वो किलकारी किलकारी क्या पता, कोई टांग मत तोड़ा के आंदा हो उसका, वो गिलकी मरदा हो ना। गिलकी क्या, उसको किलकारी कौन कर दे। यार झांसी में बढ़ते तो हमने हॉस्पिटल दिखा है नेरे सिटी हॉस्पिटल, ये देख फेमस लग गए सारी गली ये उसकी है। अबे इतने बंसल निर्मल गुप्ता हॉस्पिटल सब इमरजेंसी है, इधर भी है, ये तो गजक लाल सुपर मकनलाल चिक्की वाले हो गए। एमएलबी मेडिकल कॉलेज आ गया है यार, जिया लाल हॉस्पिटल पूरी 2 किलोमीटर की लाइन, इतने हॉस्पिटल वो भी लाइन में आगे पाछे बनाए लंदे भाई। मेडिकल शॉप और अभी तक तो चल ही रही है भाई इधर। ओ तेरी, एक और आ गया आगे, सेंटर आ गया पूरा आईवीएफ सेंटर है। नहीं उसके आगे भी है एक और बड़ा हॉस्पिटल होता है। हां वो देख ऊपर कमला भी है, कमला जैसे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे-छोटे भी हैं। कमला सुपर स्पेशल सिटी हॉस्पिटल स्पेशलिटी, क्या बात है। जो होटल जहाँ पे जा रहे हैं पार्किंग तो मिलेगी ना। अब ये सब मैंने देखा है, वर्ल्ड सेंटर भाई साहब, ये देखो मेडिकल की शॉप वो तरीका पूरी लाइन में, ये देखो कमला हॉस्पिटल डॉक्टर डॉक्टर अबे राजीवनी हॉस्पिटल कड़ा एरिया संजीवनी हॉस्पिटल आईसीयू। ओ भाई साहब आराम तो चालू रहे। सच में यार मतलब ऐसा कौन होता है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, जब आप झांसी आएंगे तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल मिलेंगे, सबसे पहले हॉस्पिटल वो भी 2 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस। रिलायंस ट्रेंड भी है, करो ये देखो रिलायंस ट्रेंड भी है, सिटी कार्ड भी है, ऐसा नहीं है शॉपिंग हॉस्पिटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उधर पिज्जा हट है, ये देखो लाइफ लाइन भी। और फिर पेट्रोल पंप भी है। हमने 6 किलोमीटर दूर झांसी से एक होटल बुक किया है। ये तुम्हें छोड़ो गड़बड़ की रेलखंड झांसी का विश्वविद्यालय खत्म हो गया हॉस्पिटल। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी बुंदेलखंड। अच्छा बना रखा है, कितना एनडी बना रखे है। वाह बैठने का टायर लगा रखे हैं, वाह रौनक सोनक। तूने देखा नहीं लेफ्ट साइड, फिर वो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल आ गए, पूरी बैक टू बैक लाइन है भाई साहब, इतने कंटीन्यूअसली चल रही है, इतने हॉस्पिटल ये देख, और ये देख सब हॉस्पिटल है। ओ भाई रे लाइनें नहीं टूट रही। हां इतना कौन भाई, क्या पूरा झांसी बीमार पड़ा है क्या। झांसी झांसी के नाम से ही कैंसर सेंटर। चलिए चलिए चलिए, हमको अपनी लोकेशन पे पहुंचना है। एक और हॉस्पिटल आ गया, मैक्स कितने कितने हॉस्पिटल हैं इस लाइन में, बहुत सारे हॉस्पिटल गए। ये क्या है, ये भी सेंटर है हॉस्पिटल है, ये भी इतने सारे। ये देखो क्या बात है, कितना अच्छा व्यू बनाया हुआ है इन्होंने, पौधे लगा के, ये देखो झांसी का वाओ ग्रीनरी। ये वो है पोल्यूशन के लिए छोटे छोटे पौधे, तो ये इनको वो कौन सा फार्मिंग बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वर्टिकल फार्मिंग नहीं, वर्टिकल गार्डनिंग, गार्डनिंग भी नहीं है कुछ और, गार्डनिंग है। ये देखिए एक और चौंक आ गया, जांस कौन है, ये भी झांसी की रानी ही है,
कोई बाबा जीसस क्राइस्ट है वही ना पीछे वाला, ये तो कोई और है, इसे पीछे वाला दो बना रखे हैं। राम से राम से। वाओ व्हाट ए क्वालिटी, कैमरा की क्वालिटी देख क्या अद्भुत आ रही है, अद्भुत। उसका फोन आ गया, ये देखो चौक, चौक पे है, पहुंच गया। शिवपुरी रोड उस साइड, ग्वालियर उस साइड, इलाहाबाद उस साइड, उस तरफ दिखा रहा है मैंने। हाँ वही तो जा रहा हूँ। हाँ उसी साइड जा रहे हैं। नहीं सीधा दिखा रहा है। हाँ सीधा जाके सीधा ही चलना है, यही है ना। ना मेरे में तो ये वाला रोड वही तो है, दिखा रहा है मेरे में। एक सेकंड से सीधा क्या होता है, इधर सीधा गोल में। आज का स्टे है हमारा झांसी में, और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं बाहर, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। ये देखो आई लव झांसी, देखो दिखाता हूँ, देखो आई लव झांसी। तो गाइस अभी हम आए हैं सुरेश होटल, तो यहाँ का खाना खा के बताएंगे कि आपको कैसा खाना लगा। और अंदर बहुत भीड़ है, हमको सीट नहीं मिल रही, तो अभी हम बाहर खड़े हुए हैं। ये देखिए सब बाहर खड़े हैं, तो अंदर का वेटिंग कर रहे हैं कि कब जाके हमको सीट मिलेगी। बोलो दोबारा। सुरेश होटल आए हुए हैं, जिनको उनके चाचा जी बोल रहे थे प्रकाश होटल का आया, प्रकाश होटल का। आप देख सकते हैं जरा बोलूंगा कि देखो कितनी भीड़ है, फुल भीड़ है वहाँ पे। लोग इतना मार मार के अपनी सीट ले रहे हैं, लोग अपने बैग रख रहे हैं, जैसे मंदिरों में अपने चप्पल रखी जाती है। तो आप जब भी झांसी आए सुरेश होटल में। यहाँ का खाना कैसा है, खाना हम खाने बताएंगे आपको। ये है झांसी का सुरेश होटल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है खाना खाते टाइम। यहाँ पे सीट नहीं मिलती खाना खाते टाइम। ये देखो हमने भी आधा घंटे बाद सीट मिली थी। अगर कोई झांसी रुका है तो यहाँ पे आके जरूर खाना खा के जाए। गाइस हमने खाना खाया, बहुत ही अच्छा खाना था। खाना कैसा था? बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया। गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं रात को रानी का महल, पास में ही है, तो चलो हम देख के आते हैं। देखो पीछे आ रहे हैं चाचा चाची, इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना रानी का महल भी देख ही लेते हैं। दिन में तो हम नहीं रुकने वाले थे, मतलब सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो ये है रानी का महल। ये वही रानी का महल, इसका गेट किधर है? महल तो बड़ा है वही, ये देखो। महल तो बड़ा है, क्या बात है। ये देखिए, देखते हैं गेट ओपन है या नहीं है। ये देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे एक बार ये देख ही लेते हैं किसने बनवाया था। ले भाई पढ़ना स्टार्ट कर लो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो ये इनका गेट है, ये मेन गेट है, ये अभी बंद है, रात हो रखी है ना। ये देखो बाहर के ही है। ये है माँ रानी लक्ष्मीबाई का महल, जो यहाँ पर रहती थी। झांसी की गलियाँ, पुराने
पुराने पुराने घर हैं, पुरानी पुरानी दुकानें हैं। ये देखो मंदिर है।